Hello everyone, assalamu alaikum, this is Rashid. Today we are going to learn countable and uncountable nouns. How these words are used into countable and uncountable nouns. The first word is a few of. A few of. You can simply use into countable. Aap aise keh sakte hain, a few of my friends are coming. मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं. इसी तरह सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग. इसमें भी आप काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर कमिंग. ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, सम ऑफ माय स्टूडेंट्स, टू ऑफ माय स्टूडेंट्स. तो इस तरह आप इनमें countable, some of the chairs, some of the shops are closed, most of the shops are closed today. तो इसमें आप countable noun लगाएंगे. अच्छा, ये बहुत important है. One of my friends होगा. One of my, यहाँ पे s आएगा. One of my friends is coming होगा यहाँ पे. One of my friends, यहाँ plural लगाएंगे. मतलब दोस्तों में से एक दोस्त. मेरे दोस्तों में से एक दोस्त. वन ऑफ माय फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं. इनमें से मेरा एक दोस्त आ रहा है मेरे साथ मिलने. ठीक हो गया. अच्छा, नन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसमें आप लगा सकते हैं नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग. नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग. कोई भी मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आ रहा. क्या? कोई भी मेरा दोस्त मुझसे मिलने नहीं आ रहा. None of my friends. मतलब दोस्तों में से कोई भी दोस्त मेरे साथ मिलने, मेरे पास मिलने नहीं आ रहा. तो ये आप यूज करते हैं प्लूरल. ये हमेशा countable के साथ इस्तेमाल किया जाता है. हमेशा ध्यान में रखिए countable के साथ. अच्छा, इसमें से कुछ exceptions हैं. Now we are going to talk about. जब आप वन ऑफ का हम बात करते हैं तो इसके साथ कभी भी अनकाउंटेबल आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे अनकाउंटेबल हम वाटर कहें, इसी तरह आप मनी कहें, इसी तरह आप राइस कहें, जूस कहें, टी कहें, तो इनके साथ हम वन ऑफ दी, फ्यू ऑफ दी इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो ये वाले आपके एक्सेप्शन हैं. अच्छा, सम ऑफ दी में आप अनकाउंटेबल के साथ आप लगा सकते हैं. मतलब सम ऑफ मनी, सम ऑफ वाटर, सम ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन इसके साथ आप हमेशा यहाँ पे इज लगाएंगे. सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, सम ऑफ द मनी इज इन माई पॉकेट. तो इसमें प्लूरल नहीं होगा, हमेशा सिंगुलर होगा. तो ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. None of the information is, इसी के साथ भी आप अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो नहीं कर सकते. None of the information is right or the correct. तो इसके साथ भी आपका is होगा. Most of the water, most of the information is wrong. तो most के साथ भी आप अनकाउंटेबल लगा सकते हैं. लेकिन एक बात ध्यान में रखें, इन सब के साथ आप इस लगाएंगे. अनकाउंटेबल के साथ एक्सेप्शन से आप यूज कर सकते हैं. Clear? Is it okay? Last है, all of the information is wrong. क्या? All of the information is wrong. सारी की सारी information गलत है. All of the information is wrong. तो इनके साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं uncountable के साथ. तो ये uncountable के साथ इस्तेमाल करेंगे और इनके साथ आप is लगाएंगे. इनके साथ कभी भी आप plural नहीं लगा सकते. ये बड़ी important जो है, आज वाला जो lesson है बड़ा important है. तो वन ऑफ दी, अ फ्यू ऑफ दी अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा. और ये सारे के सारे काउंटेबल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर, सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज होगा. वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, नन ऑफ माय फ्रेंड्स इज, कोई भी मेरा दोस्त, दोस्तों में से कोई भी मेरा दोस्त नहीं आ रहा. तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी. देख लें इसको, दोबारा देख लें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स. दिस इज फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज़.